हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट आइसक्रीम। बिना मशीन के बनाएंगे, बिना कंडेंस्ड मिल्क के बनाएंगे और बिना गैस चलाए बनाएंगे। और इसका जो टेस्ट है ना, वो जो बाज़ार में मिलती है ना बड़े बड़े ब्रांड, उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे क्रीम। मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम ली है। ये जितना मैंने दूध लिया है ना, उतना ही मैंने क्रीम लिया है। अब दूध का क्वांटिटी को देख के आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि कितना आपको क्रीम चाहिए। 3 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे लिया है कोको पाउडर और 3 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पे लिया है चीनी। अब चीनी तो आप ज़्यादा कम कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है चॉकलेट चिप्स बस। और सामान कुछ नहीं चाहिए, बस क्या करना है ये सारी चीज़ों को हम पहले हटा देते हैं। अब बिना गैस के बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये दूध का ग्लास है ना, इसमें ही हम ये चीनी डाल देंगे और उसी के साथ में डाल देंगे ये कोको पाउडर और इसको ना अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अभी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको इसे गैस में चलाना है ना, तो गैस में दूध को थोड़ा सा गर्म कर लेना, उसमें चीनी डाल के थोड़ा सा पिघल लेना और उसके बाद कोको पाउडर आप मिक्स कर सकते हो। बस सेम ही प्रोसेस है, बस चीनी को पिघलाना है और कुछ नहीं करना है। कोको पाउडर डालते ही ये जो दूध है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाती है, आप देख सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कोको पाउडर का जो मिक्स है वो हम हटा देंगे और ये जो अपना क्रीम है इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। अगर आपके पास व्हिस्कर नहीं है तो आप ना चम्मच से भी कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इससे बहुत जल्दी हो जाती है। ये देखो, ये एक सॉफ्ट पिक आ रही है, मतलब कि हम इसको उल्टा करेंगे तो भी ये गिरेगी नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फोमी हो चुकी है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये जो दूध का मिक्सचर हमने बनाया था ना, ये इसमें डाल देंगे। और उसके बाद थोड़े से चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर हम डाल देंगे। थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स मैंने बचा के रखी है ऊपर से डालने के लिए। ये अंदर हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हम जब वो आइसक्रीम खाएंगे ना, तो मुंह में भी थोड़ा थोड़ा क्रंच मिलेगा। तो इसलिए चॉकलेट चिप्स जो है थोड़ा सा इसमें डाल देना और इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर में आ चुकी है। ये बिल्कुल रेडी है अपना आइसक्रीम का मिक्सचर। तो अभी बस क्या करना है, जिस कंटेनर में आप आइसक्रीम को जमाने वाले हो वो कंटेनर ले आना और ये जो मिक्सचर है ना, ये इसमें डाल देना है। मैं बस कैमरा ऑन करना भूल गई थी दोस्तों, मैंने वही मिक्सचर इसमें डाल दिया है। तो अभी हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स ताकि ऊपर से भी दिखने में बिल्कुल बाजार जैसी लगे। और उसके बाद कंटेनर का ढक्कन जो है उसको बंद करके हम इसको फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए, तभी जाके ये ना अच्छी तरह से बनेगी। और उससे पहले इसको नहीं निकालना है दोस्तों, क्योंकि ये अच्छी तरह से जमेगी ही नहीं, सेट भी नहीं होगी, ये ना ऊपर से बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएगा। तो ये देखो, मैं 10 से 12 घंटे के बाद इसको ले आई हूँ। ये देखो, ये अच्छे से जम गई है। तो ये देखो, ये कितनी अच्छी तरह से सेट हुई है और इसका अंदर का जो टेक्सचर है वो देख के भी आपको पता चल रही होगी कि ये कितनी अच्छे से बनी है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। ऊपर से हम थोड़े से चॉकलेट चिप्स अगर डाल देंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगेगा और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप। तो बस ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बन गई है अपनी चॉकलेट आइसक्रीम। तो बस इसको एंजॉय करना है, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए, घर वालों को सर्व कीजिए, ये सभी को बहुत अच्छा लगेगा और सभी ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आप इसको घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले जो चॉकलेट आइसक्रीम है वो कैसे बने हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।